हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं घर के बेसिक चीज़ों से बहुत ही टेस्टी मिठाई और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है इस रेसिपी में। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी, साथ ही में 1 कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा ऐड कर दिया है। साथ में ऐड कर देना है 2 कप मिल्क। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर मैंने मिल्क लिया है, सिंपल दूध को बॉयल करके और नॉर्मल टेम्परेचर पर करके मैंने डाला है। अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे ताकि आपस में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और ये फूल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो गैस पे मैंने पैन रखा है, इसमें डाल देंगे घी। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर करके मैंने देसी घी डाला है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स को डाल करके घी रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, किशमिश, बादाम और अखरोट लिया है। आप अपनी चॉइस की कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो या आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट ड्राई फ्रूट से ना बहुत ही अच्छा क्रंच आता है इस मिठाई में। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है और ये देखिए मिक्सचर हमारा फूल चुका है अच्छे से। अब पैन में फिर से 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देना है। इस मिठाई में बहुत ज़्यादा घी हमें इस्तेमाल नहीं करना होता, 2 से 3 टेबल स्पून घी इनफ है। अब ये मिक्सचर डाल करके इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें भुनना है। स्टार्टिंग में मिक्सचर आपको काफ़ी गीला लग रहा होगा, बट ये एकदम ड्राई हो जाता है और ये देखिए अब थोड़ा सा थिक हो गया है और धीरे धीरे ना इसका टेक्सचर चेंज होते रहता है। 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे बीच बीच में चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर भुनना है। बस थोड़ा सा इसी टाइम पर मेहनत करना होता है इसमें भुनने में, बाकी बहुत ही आसान है इसे बनाना। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ड्राई हो गया है और कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया इसका। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे, मतलब इतना कि हम हाथों से इसे टच कर पाएँ। अब इसमें ऐड कर देंगे बूरा। आप चाहो तो यहाँ पे बूरा की जगह पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बूरा का टेक्स्चर ना हल्का सा दरदरा रहता है ना, तो इससे ना लड्डू का जो टेक्स्चर है ना काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैंने बूरा ऐड किया है। साथ ही में जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखा था उसे डाल दिया है और क्रश किया हुआ इलायची। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब तो ये मिनटों में बनकर के रेडी हो जाएगा, बहुत ही आसान है। बस इसे लड्डू का शेप आप दे दीजिए और ये देखिए कितना अच्छा और कितना आसानी से ये लड्डू बनकर के रेडी हो गया, कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। अब दिवाली आने वाली है तो आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। एकदम जूसी तोड़ के मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना जूसी और कितना सॉफ्ट बना है, एकदम मुँह में घुल जाने वाला ये मिठाई है। तो आप ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इन्जॉय, हैप्पी दिवाली।